चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक संघ में आज जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्लांट की साफ सफाई, प्रोडक्ट की गुणवत्ता देखी, साथ ही उन्होंने भविष्य के लिए प्लांट के ग्रोथ को लेकर रणनीति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान जिला कलेक्टर ने डेयरी प्रबंधक निदेशक सुरेश कुमार सेन को डेयरी के नवाचार के रूप में आने वाले प्रोडक्ट को लेकर अपने सुझाव भी दिए, साथ ही दूध की क्वालिटी को समय समय पर संभालने करने के लिए भी निर्देशित किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि डेयरी प्लांट की व्यवस्थाओं को देखा गया, वहां पर साफ सफाई और प्रोडक्ट की गुणवत्ता भी देखी गई, साथ ही भविष्य में प्लांट को आगे बढ़ाने को लेकर क्या किया जा सकता है उस बारे में चर्चा भी की गई। उन्होंने बताया कि डेयरी के कार्मिकों की कमी एवं अन्य समस्याओं के समाधान के बारे में आवश्यक निर्देश भी दिए गए। डेयरी में आजीविका की महिलाओं की भूमिका के बारे में भी चर्चा की गई। उन्होंने डेयरी प्रबंधन को दूध और घी की समय समय पर चेकिंग करने का भी निर्देश दिया है। इस दौरान प्रभारी संयंत्र भव्या वरड़िया, प्रभारी विपणन यूसी व्यास, दिनेश काकड़ा, नरपत सिंह चुंडावत आदि उपस्थित रहे। लगातार हर साल बढ़ रहा है, यदि भी इनके पास कुछ स्टाफ की शॉर्टेज है, स्टाफ समय पर आता नहीं आता है, वो भी चेक किया है और यहाँ एमडी साहब को संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। इनके द्वारा भी कुछ समस्याएं बताई हैं, चाहे वो डेयरी के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की हों या फिर इनकी जो लॉजिस्टिक या बाकी समस्याएं हों, उस पर भी कार्य करेंगे। कुछ इशूज़ में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में अगर किसी तरह की लोनिंग होकर के डेयरी का एक्सपेंशन कैसे हो, इसमें राजीविका की जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए, SHG की भागीदारी कैसे बढ़ाए, इसको लेकर भी चर्चा करी है। पर कुल मिलाकर जो डेयरी है इसका काम अच्छा है और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।